हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्पीड। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम HTML कैलकुलेटर का पार्ट 2 कंटेन करेंगे। सो स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने कंप्यूटर स्पीड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस सब्सक्राइब वाली बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक वाली बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दें। साथ में शेयर वाले आइकन पर क्लिक करके वीडियो को शेयर कर दें। ओके स्टूडेंट, बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त हो सके। सो स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। डियर स्टूडेंट, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को कैलकुलेटर का UI डिजाइन करके बताया था। यहाँ पे एक कैल्क एप्स नाम का फोल्डर क्रिएट किया था और इसी के अंतर्गत हम लोग ने क्या किया था, अपनी UI को यहाँ पे तैयार किया था। मैं राइट क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, ओपन विथ में जाके मैं इसे गूगल क्रोम पे खोल देता हूँ। आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका कैलकुलेटर ऐप आपके सामने इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। ओके, मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से देखिए। मुझे आज ये फंक्शनलिटी जनरेट करनी है कि जब मैं इस किसी भी बटन पे क्लिक करूं तो इसमें जो टेक्स्ट आपका सेवन दिख रहा है यहाँ पे क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, इसको करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं अपने फोल्डर पे जाता हूँ, यही मेरा कैल्क एप्स था, इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन विथ में जाके स्टूडेंट सबलाइन पे, ध्यान से देखो आप यहाँ पे इस वाले पे क्लिक कर दूंगा सबलाइम टेक्स्ट पे, तो मेरा वो सॉफ्टवेयर इसमें खुल के आपको इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो ये खुल चुका है यहाँ पे। अभी ध्यान से देखो स्टूडेंट, जो ये कोडिंग मैंने की है, ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट्स आप क्या करो, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको कोडिंग करनी है स्टूडेंट्स बटन के लिए। बटन के लिए कोडिंग करने से पहले स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, जो मैंने टेबल बनाया है स्टूडेंट्स, यहाँ पे पूरा का पूरा टेबल जो मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखाया है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं टेबल की कोडिंग से स्टूडेंट आपको दिखाता हूँ। ये देखो आप यहाँ पे, ये टेबल स्टार्ट है कहाँ पे, बॉडी के बाद यहाँ पे। इसमें आप सबसे पहले फॉर्म नाम की टैग को क्या कर दो, ऐसे स्टार्ट कर दो स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, और इसका कोई भी नाम यहाँ पे क्या करोगे, डाल दोगे, ठीक है। तो फॉर्म में नेम एट्रीब्यूट के द्वारा इसका नेम आप क्या करोगे, डालोगी। तो नेम में मैंने यहाँ पे डाला जैसे कैल, ठीक है, मैंने क्या डाला यहाँ पे, कार डाल दिया इस तरीके से, या कैल्क डाल देता हूँ इस तरीके से, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि मैं कैलकुलेटर बना रहा हूँ इसलिए मैंने इसको फॉर्म टैग से इसे लॉक किया, क्योंकि इसमें इनपुट बॉक्स देखो स्टूडेंट बना हुआ है, तो इनपुट बॉक्स कहाँ बनते हैं, फॉर्म के भीतर ही बनते हैं ना। सो मैंने फॉर्म टैग से इसे क्या किया, पूरे टेबल को फॉर्म टैग से मैंने क्या किया स्टूडेंट, यहाँ पे लॉक किया है। फॉर्म टैग तो चालू है, सबसे नीचे फॉर्म टैग आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेबल के बाद क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे फॉर्म को क्लोज करता हूँ। अभी ध्यान से देखो, सबसे ऊपर फॉर्म यहाँ पे चालू है बॉडी में, ओके, और बॉडी के भीतर ही फॉर्म सबसे नीचे जाके बंद हुआ है, ठीक है। तो फॉर्म टैग के द्वारा सबसे पहले आप इस तरीके से कोई भी नाम इस पर डिफाइन कर दोगे। तो फॉर्म के भीतर मैंने क्या डाला है, यहाँ पे नेम के अंतर्गत कैल्क डाला है, ओके स्टूडेंट्स। और ध्यान से देखो, नेम के एट्रीब्यूट के अंतर्गत इनपुट फील्ड जो मैंने बनाई थी ऊपर, जिसमें मुझे रिजल्ट दिखाना था, उसके नेम में क्या डाला, मैंने एंस डाला, यानी आंसर के लिए, उत्तर के लिए मैंने ANS डाल रखा है, ठीक है स्टूडेंट। ओके, अब आइए अपनी कोडिंग पे, नीचे जाओ स्टूडेंट्स। मैं चाहता हूँ कि जैसे मैंने कैलकुलेटर बनाया है, जैसे ही मैं 9 पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे 9 राइट हो जाना चाहिए। तो ये कैसे करूँगा, ध्यान से देखो स्टूडेंट, सबसे पहले आप 9 वाली कोडिंग पे जाओ। 9 की कोडिंग कहाँ पे हुई है, आपकी STD के अंतर्गत है, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ पे जाओगे स्टूडेंट, जो वैल्यू बराबर यहाँ पे 9 लिखा है, इसमें जाओगे स्टूडेंट HTML के अंतर्गत, यहाँ पे ऑन क्लिक एट्रीब्यूट का प्रयोग करोगे, किसका, ऑन क्लिक एट्रीब्यूट। ऑन क्लिक लिखने के बाद स्टूडेंट यहाँ पे बराबर का चिन्ह डालना है आपको और डबल इंटेड कामा यहाँ पे स्टार्ट कर लेना है, ठीक है स्टूडेंट। और इसके भीतर स्टूडेंट्स, ठीक है, अब लिखोगे आप कुछ इस तरीके से, सबसे पहले आप टाइप करोगे डॉक्यूमेंट। क्या टाइप किया मैंने यहाँ पे, डॉक्यूमेंट। ऐसा क्यों टाइप किया स्टूडेंट, क्योंकि ये पूरे डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट लिखने का मतलब क्या हुआ, डॉक्यूमेंट पर, इस पूरे डॉक्यूमेंट मतलब इस पूरे डॉक्यूमेंट में, या पूरे डॉक्यूमेंट को मैंने सेलेक्ट किया। डॉक्यूमेंट के बाद मैंने लिखा डॉट, क्या लिखा, डॉट। अच्छा स्टूडेंट, मैंने डॉट लिखने के बाद मैं अब फॉर्म का नाम यहाँ पे डिफाइन करूंगा। तो फॉर्म का नाम मैंने क्या डाला था अभी, CALC, क्या डाला था, कैल्क डाला था।
तो मैंने इसका लिखने का क्या मतलब हुआ, इस पूरे डॉक्यूमेंट पे जो कैल्क है वो क्या हो जाए, सेलेक्ट हो जाए। कैल्क सेलेक्ट हो गया, फिर मैंने डॉट लिखा स्टूडेंट, ठीक है। डॉक्यूमेंट में जो फार्म है, फार्म का मतलब यहाँ पे कैल्क क्या था, फार्म ही है ना आपका। तो मैंने कहा कि डॉक्यूमेंट जो है आपका, इस पूरे डॉक्यूमेंट में जो कैल्क है वो सेलेक्ट हो जाए। तो डॉक्यूमेंट लिखने का मतलब डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हुआ, डॉट कैल्क लिखने का मतलब क्या हुआ, आपका फॉर्म सेलेक्ट हो गया। इसके बाद फिर से आपको यहाँ पे क्या करना था, डॉट ऐसे आपको यहाँ पे देना है। डॉट देने के बाद अब उस फॉर्म के अंतर्गत जो इनपुट फील्ड है उसका नाम मैंने क्या डाला स्टूडेंट, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या डाल रखा है मैंने, ANS डाल रखा है। देखो यहाँ पे डालें कि नहीं, तो उसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा ऐसे ANS। ओके स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान से पढ़ो क्या मतलब है। जब मैं क्लिक करूँ इस डॉक्यूमेंट में, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो, ऑन क्लिक है ना, यहाँ पे ऑन क्लिक के अंतर्गत, एट्रीब्यूट के अंतर्गत लिखना है डॉक्यूमेंट पे जो कैल्क नाम का जो फॉर्म है उसके भीतर जो इनपुट बॉक्स है यानी ANS है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट उसकी वैल्यू, इनपुट की वैल्यू होती है स्टूडेंट, ध्यान से देखो आप यहाँ पे, सबसे पहले बता दूँ इसके भीतर जो कुछ मैं डालूंगा तो यह जो नंबर है यह इस इनपुट फील्ड की क्या कहलाएगी, वैल्यू कहलाएगी, क्या कहलाएगी, वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट। तो इनपुट की फील्ड में जो वैल्यू होती है, हम जो टाइप करते हैं वो उसकी क्या कहलाती है, वैल्यू कहलाती है। तो इसी चीज़ को इसने कहा है। तो अभी मैं डॉट लिख के लिखूंगा यहाँ पे वैल्यू। तो क्या मतलब हुआ, डॉक्यूमेंट में जो कैल्क है यानी जो फॉर्म है उसके भीतर जो इनपुट बॉक्स बना है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए स्टूडेंट, या इक्वल साइन देकर यदि आप डबल यहाँ पे सिंगल इनवर्टेड कॉमा में स्टूडेंट्स, या फिर आप इक्वल साइन देके बराबर का चिन्ह डाल के डाल देंगे तब भी हो जाएगा, या फिर आप यहाँ पे वैल्यू बराबर सिंगल कोड में यहाँ पे वो डिफाइन कर दो जो आप उसमें दिखाना चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो डॉक्यूमेंट में जो कैल्क है और उसके अंतर्गत जो इनपुट बॉक्स एंस नाम का बनाया है उसकी वैल्यू में यानी उस इनपुट बॉक्स में क्या लिखा हुआ आ जाए, यहाँ पे 9 लिखा हुआ आ जाए। सो स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या कहने का मतलब है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे कह रहा है कि जब मैं डॉक्यूमेंट के अंतर्गत वहाँ पे क्लिक करूँगा, कहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे फार्म, कैल्क लिखने का मतलब क्या है, फार्म है ना, क्योंकि मैंने नेम एट्रीब्यूट के द्वारा उसका नाम डिफाइन किया था कि नहीं, फार्म का। ध्यान से देखो यहाँ पे फॉर्म है ये, इसके नेम एट्रीब्यूट में क्या डाला है, फॉर्म के अंतर्गत कैल्क डाला है। तो कह रहा है ये आपको बता रहा है यहाँ पे कि जब मैं यहाँ पे ध्यान से देखो, जब मैं इस पे डॉक्यूमेंट में फॉर्म में, ठीक है, आंसर वाली फील्ड में, ठीक है, इस पे क्लिक करने पे यानी फॉर्म पे क्लिक करूँगा और जो आपका फॉर्म है उसमें आंसर नाम का जो आपकी इनपुट बॉक्स है उसकी वैल्यू में क्लिक करने पे क्या राइट हो जाना चाहिए, 9 राइट हो जाना चाहिए, ये 9 राइट होना चाहिए ये वाला, ठीक है स्टूडेंट। ध्यान से देखो ये जो आपको दिखा रहा है। सो ऐसा लिखने से स्टूडेंट्स, यदि मैं अब फाइल को सेव करके कंट्रोल एस बटन को प्रेस करता हूँ और सेव करता हूँ स्टूडेंट, तो इसके बाद क्या होना चाहिए स्टूडेंट, आपके इस इनपुट फील्ड के अंतर्गत 9 क्या हो जाने चाहिए, राइट हो जाने चाहिए। कब, जब मैं ऐसे कोडिंग कर दूंगा तब। यदि मैं अब जाके स्टूडेंट यहाँ पे क्लिक करके इस पर क्लिक करूँगा तो 9 यहाँ पे राइट होना चाहिए। सो मैं 9 पे अभी क्लिक करता हूँ, आप रिजल्ट देखिएगा। मैंने क्लिक किया, आप ध्यान से देखो स्टूडेंट 9 राइट हुआ कि नहीं, फिर से 9 क्लिक करता हूँ तो नहीं ले रहा है, यानी ध्यान से देखो केवल 1 टाइम ही 9 यहाँ पे क्या हो रहा है, पुट हो रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से देखो, मैं एक ही बार यहाँ पे 9 को पुट कर पा रहा हूँ, क्लिक करने के बाद एक बार लिखने के बाद आगे नहीं बढ़ रहा है स्टूडेंट्स। इस परिस्थिति में जिस इनपुट फील्ड के अंतर्गत आपको डेटा को क्या करना है, स्टोर करवा रहे हो स्टूडेंट, उसके अंतर्गत उसी समय उसकी वैल्यू जो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ध्यान से देखो यहाँ पे जो मैं यहाँ पे वैल्यू डाल रहा हूँ स्टूडेंट, ये जो है हमारे पास यहाँ पे, ओके, यहाँ पे देखिए, ये देखो आप यहाँ पे ये जो वैल्यू मैं यहाँ पे पुट किया हूँ 9 स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यू बराबर मैंने 9 डाला है ना, ध्यान से देखो यहाँ पे इस वैल्यू बराबर जो मैंने डाला है यहाँ पे एडिशन इक्वल ऑपरेटर का प्रयोग करोगे, क्योंकि बराबर क्या है, एक ऑपरेटर है। यदि मैं इससे पहले स्टूडेंट यहाँ पे प्लस और इसके बाद इक्वल साइन लगाऊं, यानी एडिशन ऑपरेटर और प्लस यहाँ पे बराबर का चिन्ह, यानी प्लस और बराबर का चिन्ह दोनों लगा दूं, यानी एडिशन इक्वल लगा दूं स्टूडेंट, तो अब क्या होगा स्टूडेंट, जितनी बार भी मैं 9 प्रेस करूंगा
उतनी बार O9 उसमें क्या होता जाएगा आपका, पढ़ता जाएगा और पिछला का पिछला डेटा उसमें स्टोर होता चला जाएगा। सो मैं एक बार 9 प्रेस करूँगा तो क्या हो जाएगा, उसमें स्टोर हो जाएगा, फिर अगली बार 9 प्रेस करूँगा तब भी स्टोर हो जाएगा प्लस लिखने से। तो वैल्यू बराबर जब भी कभी इस तरीके से काम करो स्टूडेंट, तो आप यहाँ पे वैल्यू इक्वल, यहाँ पे वैल्यू एडिशन इक्वल साइन का प्रयोग आप यहाँ पे करोगे, यानी वैल्यू के अंतर्गत आप प्लस का चिन्ह दे के बराबर का चिन्ह यूज करोगे तो कभी भी डेटा जो होगी कई बार आपका राइट वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, सेव करता हूँ कंट्रोल बटन को प्रेस करके, और यहाँ पे जाके स्टूडेंट मैं रिलोड करता हूँ और 9 पे आप प्रेस करके ध्यान से देखो, जितनी बार क्लिक करता हूँ उतनी बार 9 यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। लेकिन मैं 8 पुट कर रहा हूँ, 7 पुट कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है, क्योंकि इनकी कोडिंग यहाँ पे नहीं हुई है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अभी क्या करोगे स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान से देखो आप यहाँ पे, आप क्या करो अगली कोडिंग स्टूडेंट इस 8 के लिए आप क्या करोगे यहाँ पे करोगे। तो ये कैसे करना है स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान से देखो, मैं एक बार फिर से इसको बता देता हूँ। आप यहाँ पे जाओगे, ठीक है, जो वैल्यू आपने राइट किया है इसी में आप जाके यहाँ पे क्या करोगे, ऑन क्लिक एट्रीब्यूट का प्रयोग यहाँ करोगे। ऑन क्लिक बराबर का चिन्ह डाल के यहाँ पे डबल इंटेड कॉमा के अंतर्गत आप क्या डिफाइन करोगे, सबसे पहले आप टाइप करोगे डॉक्यूमेंट में जो फॉर्म है, फॉर्म किस नाम से है, फॉर्म का नाम क्या था, कैल्क। ठीक है, उसमें जो इनपुट फील्ड है तो इनपुट फील्ड का नाम क्या डाला था, ANS। ठीक है, तो उसकी वैल्यू डॉट लिख के उसकी क्या लिखोगे, वैल्यू, उसकी वैल्यू में क्या लिखा होना चाहिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या आना चाहिए, कैसे डिफाइन करोगे आप, बराबर का चिन्ह डाल के या चाहे सिंगल कोट आप ऐसे पुट करके आप उसमें वो पुट कर दोगे। तो क्या दिखाना है मुझे, 8 दिखाना था, इसीलिए मैंने क्या किया 8। लेकिन ध्यान रहे स्टूडेंट, सबसे पहले वैल्यू बराबर लिखने से पहले, वैल्यू लिखने के बाद प्लस का साइन लगा के ही इक्वल साइन आप क्या करोगे यहाँ पे लगाओगे। इससे क्या होगा, आपका डेटा इनपुट फील्ड में स्टोर होता रहेगा, इरेज नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब ध्यान से देखो, इतना लिखने का मतलब हो गया कि आप क्या कर सकते हो, अब 8 को उसमें आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। मैं कंट्रोल एस बटन को प्रेस करके फाइल को सेव कर देता हूँ और इसके बाद यहाँ पे जाके इसे रिलोड करूंगा। स्टूडेंट ध्यान से देखो, 9 के बाद 8 भी यहाँ पे क्या रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ पे 9 को प्रेस कर रहा हूँ स्टूडेंट और 8 को प्रेस कर रहा हूँ तो ये हट जा रहा है, ध्यान से देखो अभी हट रहा है कि नहीं हट रहा है, 9 और 8 दोनों यहाँ पे नहीं रुक रहे हैं, तो ये कैसे होगा, थोड़ा ध्यान से देखो स्टूडेंट। ओके, 9 पुट किया, 8 पुट किया, ठीक है, अभी देखते हैं क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, डॉक्यूमेंट डॉट कैल्क डॉट ANS। ओके ध्यान से देखो, आपका यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पे 9 पुट था, ठीक है, और इसके बाद क्या किया है मैंने, यहाँ पे 8 के लिए भी यहाँ पे बना रखा है। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने यहाँ पे प्लस यूज कर दिया है, गलती हुई है, देखो एडिशन, पहले प्लस का साइन फिर इक्वल साइन दे रहा है, ऊपर भी देखो यहाँ पे पहले प्लस का साइन फिर यहाँ पे इक्वल साइन है। अब सेव करूँगा कंट्रोल एस बटन को प्रेस करके, तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, अब सारे डेटा यहाँ पे राइट होंगे, 9 को प्रेस करूँगा तो 9, 8 को प्रेस करूँगा तो 8 राइट हो रहा है, देखो जो मर्जी वो आप यहाँ पे राइट कर सकते हो। सो स्टूडेंट, आप क्या करो, सभी के लिए ऐसा डिफाइन कर दो। तो सभी के लिए ऐसा डिफाइन करने के लिए स्टूडेंट्स क्या करता हूँ, मैं सभी में ऐसे ही डिफाइन कर देता हूँ ऑन क्लिक एट्रीब्यूट का प्रयोग करके। सो ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे टाइप किया ऑन क्लिक, यहाँ पे बराबर, यहाँ पे डबल इंटेड कॉमा के अंतर्गत मैंने किया यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऐसे टाइप किया इस तरीके से, डॉट लिख के इसके बाद मुझे किस में जाना है, डॉक्यूमेंट के बाद यहाँ पे क्या लिखना है मुझे, कैल्क में जाना है, इसके अंतर्गत एंस के अंतर्गत इसकी वैल्यू क्या पुट करनी है, वैल्यू बराबर मुझे यहाँ पे एडिशन इक्वल साइन के साथ यहाँ पे पुट करनी है, जो मुझे डालना है वो यहाँ पे डाल दूंगा। तो किसके लिए मैंने कोडिंग किया है, 7 के लिए, तो 7 भी अब काम करने लगेगा स्टूडेंट। ठीक है, इसी तरीके से मुझे इसके लिए करना है, तो यहाँ पे भी मैं ऑन क्लिक एट्रीब्यूट का प्रयोग करके यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूंगा कि डॉक्यूमेंट में डॉट लिखने के बाद मैंने लिखा कैल्क डॉट ANS डॉट वैल्यू, ओके, इक्वल प्लस, यहाँ पे प्लस इक्वल यानी एडिशन इक्वल साइन का प्रयोग करोगे और सिंगल कोट के अंतर्गत आप क्या करोगे वो डिफाइन कर दोगे। तो किसको आप डालोगे आप यहाँ पे, ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर को मैंने यहाँ पे क्या किया है, डाल दिया है। सेव करता हूँ कंट्रोल एस बटन को प्रेस करके और इतने को रिलोड करके पहले देखता हूँ।
मैंने रिनोट किया, ध्यान से देखो 7 पढ़ा, 8 पढ़ा, 9 पढ़ा, मेडलेस ऑपरेटर भी यहाँ पे पढ़ रहा है, यानी जिस पे क्लिक कर रहा हूँ स्टूडेंट वो यहाँ पे काम करता जा रहा है। ठीक है, अब मैं ऐसे स्टूडेंट सभी के लिए क्या करता हूँ, चेंज कर देता हूँ। ओके स्टूडेंट, आप ध्यान से देखो स्टूडेंट, मैंने सभी में यहाँ पे परिवर्तन कर दिया है। ओके, यहाँ पे देखो 9 के लिए कोडिंग, 8 के लिए कोडिंग है ये आपका यहाँ पे, और इसके बाद स्टूडेंट्स आप यहाँ पे 7 के लिए, ये स्लैश के लिए, यहाँ पे 6 के लिए, यहाँ पे 5 के लिए, ठीक है। इस तरीके से सभी में मैंने ऑन क्लिक डॉक्यूमेंट, यहाँ पे जो आपका एट्रीब्यूट यूज करना था, इन सभी में ऑन क्लिक एट्रीब्यूट का मैंने प्रयोग कर दिया है स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी आप ध्यान से देखो, यदि अब मैं फाइल को सेव करता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे फाइल में जाके यहाँ पे सेव नाम के इस ऑप्शन पे या कंट्रोल एस बटन को प्रेस करके फाइल को सेव करता हूँ और यहाँ पे जाके इसे रिलोड करूँगा स्टूडेंट, तो आप ध्यान से देखो, यदि मैं 9 पे क्लिक कर रहा था तो 9, 8 पे क्लिक कर रहा था तो 8, 7 पे क्लिक कर रहा था 7, स्लैश आ गया, मल्टीप्लाई का चिन्ह, माइनस का, प्लस का यहाँ पे इक्वल साइन, और यहाँ पे इक्वल साइन काम नहीं कर रहा स्टूडेंट, क्योंकि इक्वल साइन की कोडिंग अभी हमें करनी है। ठीक है, इसके बाद 0, 6, 5, देखो सारा काम यहाँ पे कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप क्या कर सकते हो, आप सभी में ऑन क्लिक एट्रीब्यूट का प्रयोग यहाँ पे करोगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ऑन क्लिक डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करो, इसमें जो कैल्क नाम का जो फार्म है उसको सेलेक्ट करो, और जो इनपुट नाम की जो ANS बटन है उसको सेलेक्ट करो, यानी ANS इनपुट फील्ड को सेलेक्ट करो, उसकी वैल्यू में क्या राइट करो, 0। इसी के वजह से वो क्या हो रहा है स्टूडेंट, आपको वहाँ पे 0 शो कर रहा है। मैं यहाँ पे रिलोड करके यदि मैं 0 को प्रेस करूँगा तो आप ध्यान से देखो 0 राइट हो रहा होगा। सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मुझे फंक्शनलिटी स्टूडेंट यहाँ पे डालने के, 9 प्रेस करने के बाद यदि प्लस प्रेस करूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, अभी ध्यान से देखो यहाँ पे प्लस प्रेस कर रहा हूँ तो काम नहीं कर रहा है, प्लस की भी कोडिंग लगती है, गलत है, थोड़ा सा देखते हैं प्लस वाली कोडिंग में कहाँ पे है ये प्लस की कोडिंग। तो ध्यान से देखो स्टूडेंट, प्लस की कोडिंग आपकी यहाँ पे है, ठीक है, तो प्लस की कोडिंग यहाँ पे है, आंसर यहाँ पे कैल्क, ध्यान से देखो यहाँ पे वैल्यू नहीं डाली गई है, तो वैल्यू अगर नहीं होंगी स्टूडेंट्स तो कैसे वैल्यू इसके भीतर शो करेंगी। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया वैल्यू, अब सेव करता हूँ, कंट्रोल एस बटन को प्रेस करके सेव किया, और यहाँ पे जाके रिलोड करता हूँ स्टूडेंट, और अब देखो ध्यान से यहाँ पे 0 स्टोर हो रहा है कि नहीं, देखो हो रहा है, मैं प्लस क्लिक करता हूँ, देखो प्लस हो रहा है कि नहीं हो रहा, अभी माइनस भी हो रहा है, और ये मल्टीप्लाई और ये डिविजन्स भी, सारे बटन्स काम कर रही हैं स्टूडेंट, केवल इक्वल साइन काम नहीं कर रहा है। ओके, अब इक्वल साइन के अंतर्गत मुझे कोडिंग करनी है स्टूडेंट। स्टूडेंट्स, HTML के अंतर्गत हमें किसी भी चीज़ को या किसी भी नंबर को कैलकुलेट करने के लिए evaluate आपको फंक्शन का प्रयोग करना पड़ेगा। सो evaluate फंक्शन का प्रयोग आप कैसे करोगे, या eval फंक्शन का प्रयोग आप कैसे करोगे, थोड़ा ध्यान से देखो। इक्वल साइन कहाँ पे स्टूडेंट, कोडिंग देखो, इनपुट टाइप बराबर यहाँ पे बटन, वैल्यू बराबर क्या डाला गया यहाँ पे, बराबर का चिन्ह, ठीक है अभी, और यही देखो कोडिंग काम नहीं कर रही थी। तो इसमें मैंने ऑन क्लिक डॉक्यूमेंट कैल्क, ध्यान से देखो डॉक्यूमेंट पे जो फॉर्म है, ठीक है, और एंस नाम के जो इनपुट फील्ड है उसकी वैल्यू में क्या राइट होना चाहिए स्टूडेंट, ये मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है। तो मैंने इक्वल साइन दे के स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो यहाँ पे इक्वल साइन दिया इसके अंतर्गत, और इवल नाम का यहाँ पे क्या करूँगा, फंक्शन का प्रयोग में कर लेता हूँ। ध्यान से देखो, इवल फंक्शन के अंतर्गत स्टूडेंट्स यदि मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कुछ इस तरह से कि डॉक्यूमेंट पर जो फॉर्म है, फॉर्म का नाम क्या है, कैल्क है, और उसके अंतर्गत स्टूडेंट्स जो इनपुट बॉक्स है वो किससे बना है, एंस, ठीक है एंस से, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट डॉट कैल्क एंस डॉट मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, वैल्यू। इतना लिखने से स्टूडेंट क्या होगा कि डॉक्यूमेंट पे जो कैल्क नाम का जो आपने बनाया है फॉर्म, उसके भीतर जो एंस नाम की जो फील्ड है उनकी सारी वैल्यू इवेल के माध्यम से, इवेल फार्मूला प्लस मल्टीप्लाई डिवीजन सभी में काम आता है स्टूडेंट। सो आपको इवेलुएट इसको कहा जाता है, तो इवल evl ऐसे टाइप करना है, या इवेलुएट इसको पढ़ो आप, ठीक है, ऐसे टाइप करने के बाद आप वही चीज़ यहाँ पे राइट करोगे कि डॉक्यूमेंट पे जो फॉर्म है उसके भीतर जो इनपुट फील्ड है उनकी सारी वैल्यूज को जैसे है वैसे ट्रीट करो। सो स्टूडेंट, इतना लिखने से आपका काम यहाँ पे बन जाएगा। मैं कंट्रोल एस बटन को प्रेस करके फाइल को सेव करता हूँ, फाइल सेव हो गई है, और मैं यहाँ पे आके इसे रिलोड करूँगा स्टूडेंट, तो ध्यान से देखो 9 पुट हुआ, 8 पुट हुआ, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अभी मैं इसे प्लस या माइनस करना चाहूँगा, तो जैसे फॉर एग्जांपल 9 किया मैंने, फिर मैंने यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक किया और 6 पे क्लिक किया,
और अब इक्वल साइन पे क्लिक करता हूँ। थोड़ा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, क्लिक किया मैंने, क्या प्राप्त हुआ, 15 प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। सपोज करो 15 में मुझे कुछ और यहाँ पे ऐड करना है, जैसे मैंने कर दिया 4, फिर यहाँ पे क्लिक करूँगा, आ गया कि नहीं। फिर यहाँ प्लस पे क्लिक किया, 2 पे क्लिक किया, देखो तो कैसे होता जा रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल मुझे 9 में से माइनस करना है, जैसे 4, मैंने किया इक्वल साइन पे क्लिक, कितना उत्तर आया, 5 प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं थोड़ा इसकी जूमिंग करके आपको यहाँ पे क्या करता हूँ बता देता हूँ, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने यहाँ पे पुट किया 1, 9, यहाँ पे माइनस मैं कर देता हूँ 4, और यहाँ पे करता इक्वल साइन पे क्लिक, क्या उत्तर आया, 15 यहाँ पे आया कि नहीं आया स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ पे कोई भी काम कर सकती हूँ, मैंने प्लस माइनस करके दिखाया, आप गुणा भी करके देख लो, 5 लिखा मैंने, मल्टीप्लाई का साइन, 4 किया, इक्वल साइन किया, 20 आया कि नहीं आया। सो स्टूडेंट्स यह कैलकुलेटर पूर्ण रूप से आपका बन के तैयार है स्टूडेंट्स। जितनी भी कोडिंग्स जैसे जैसे मैंने बताया स्टूडेंट, वैसे ही आप यहाँ पे क्या करोगे करोगे। ध्यान से देखो स्टूडेंट, ऑन क्लिक में मैंने क्या लगाया था, डॉक्यूमेंट पे जो डॉक्यूमेंट पे जो फॉर्म है, उस फॉर्म के भीतर जो इनपुट बॉक्स है उसका नाम क्या दिया था, ANS, उसकी वैल्यू के भीतर, ठीक है, मैंने बराबर का चिन्ह यहाँ पे डाला था, फंक्शन यूज किया इक्वल टू इवल फंक्शन को, अब उसी डॉक्यूमेंट डॉट यानी वही चीज यहाँ पे सेम लिख देना स्टूडेंट, तो क्या करेगा उन सारी वैल्यू को कैलकुलेट कर देगा। ये फार्मूला आपको यहाँ पे आपको गणना करने के लिए यानी उसमें जो आपके प्लस माइनस गुणा भाग करना उसके लिए प्रयोग करना था। सो स्टूडेंट्स आपने देखा कितना इजी तरीके से मैंने आप लोगों को HTML में कैलकुलेटर्स को इस तरीके से यहाँ पे बना के आपको दिखा दिया स्टूडेंट्स। तो ये कैलकुलेटर केवल HTML लैंग्वेज में मैंने बनाया स्टूडेंट्स, ठीक है। सो स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट प्राप्त होते रहे। सो स्टूडेंट कंप्यूटर स्पीच चैनल की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।